दोस्तों तो बात करेंगे T20 ब्लास्ट का जो ये मैच खेला जाने वाला है इसी के बारे में। ललिस्टर शहर और लंका शहर के बीच जो मैच खेला जाने वाला है उसी की हम आज ड्रीम 11 टीम बनाएंगे। तो मैं बता दूं आपको, दोनों ही टीमों ने अपने चार चार मैचेस खेल लिए है, उसमें से लंका शहर की टीम 2 जीत गई है तो ललिस्टर शहर की टीम 3 जीत गई है। तो मैं आपको बता दूं दोनों ही टीम रिसेंट फॉर्म में अच्छे है। तो बता दूं आपको, जो बेन रैना है उन्होंने पिछले मैच में 2 शतकीय पारी खेली थी और 2 विकेट्स भी ले लिए थे, तो आपके लिए वो अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए, स्मॉल लीग के लिए, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। फिर बता दूं मैं आपको, अगर आपने ऑस्ट्रेलिया के और ऐसे इंग्लैंड के प्लेयर को ले रखा है तो जल्दी से उनको रिमूव कर सकते हो। और मैं बता दूं आपको, अगर आपने ऐसे बहुत सारे प्लेयर इसमें जो इस मैच में आपको खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे, अगर आपने उनको ले रखा है तो मैं आपको बता दूंगा उनको जल्दी से रिमूव कर देना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और मेरे बाजू में जो बेल का आइकॉन है उसे भी दबा दो। और आपको अगर जानना है वो कौन से प्लेयर है तो मेरे चैनल वीडियो को पूरा देखो, लास्ट तक देखो, आपको सब कुछ टीम भी अच्छे से मिल जाएगी स्मॉल लीग के लिए। तो देख लेते हैं क्या हो सकती है टीम। तो अभी बात करेंगे हम, जो टीम में मैं आपके लिए दिखाने वाला हूँ वो बेस्ट टीम साबित हो सकती है इस मैच में आपके लिए। फिर बता दूँ, अगर आपने जस्ट बटलर को ले रखा होगा तो जल्दी से रिमूव कर दे, फिर डेन विलियन आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं स्मॉल लीग के लिए, फिर नेड आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं ग्रैंड लीग के लिए। इन दोनों में से किसी एक के साथ आप जा सकते हो, ये दोनों आपको इस मैच में खेलते नजर आ जाएंगे। फिर बात करेंगे बैटिंग सेक्शन की, तो बैटिंग में आपके लिए लिविंगस्टन आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, फिर मार्क भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, फिर बॉलिंग मार्कर भी आपको इस मैच में खेलते नजर आ जाएंगे। इन तीनों को आप ले सकते हो, मैंने सिर्फ इसीलिए नहीं लिया है कि मैं मुझे जो अच्छे ऑप्शन लगे उसी को मैंने लिया है। फिर जेनिंगस्टन भी आपको इस मैच में खेलते नजर आ जाएंगे, फिर कारबेरी इस मैच में आपको फिर से मिस करते हुए नजर आ जाएंगे, फिर मार्क भी इस मैच में आपको खेलते नजर नहीं आएंगे। मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो सेफ ऑप्शन है उसी के साथ जाइए अगर स्मॉल लीग खेल रहे हो तो। फिर एलेक्स डेविड्स भी इस मैच में आपको खेलते नजर आ जाएंगे, फिर डेलपोर्ट भी आपको इस मैच में खेलते हुए नजर आ जाएंगे। और मैं बता दे रहा हूँ आप ऐसे ऑप्शन ले जो आपके लिए सेफ हो सकते हैं। फिर टॉम विल्स और स्टेवन को आप स्मॉल लीग में नहीं लेना, अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तभी इनको पिक कर लेना, क्योंकि स्मॉल लीग में आपको इनका कुछ फ़ायदा है नहीं। अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो आप अगर ये खेल जाते हो तो आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला सकते हैं। स्मॉल लीग को स्मॉल लीग में सभी की टीम एक जैसी होगी। तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो अच्छे प्लेयर है उन्हीं को ले, और एक दो चेंज मैंने जो यहाँ पे सेक्शन में कर रखे तो आपको बता देता हूँ। मोहम्मद नबी को भी ले रखा है, फिर बता दूँ डेक्स्टर को भी आप ले सकते हो, फिर फाल्कनर को भी आप ले सकते हो, इन तीनों के साथ आप जा सकते हो। मैंने इन तीनों के अलावा मैंने जो दो प्लेयर लिए है वो बता देता हूँ आपको। मैंने जो लिया है बेन रैना को लिया है, और फिर लिया है आरन ली, इनको ले रखा है। इन दोनों के साथ गया हूँ मैं, क्योंकि मैं टीम जो है वो इसमें रखना चाहता था। अगर आप चाहते हो इनकी जगह पे इनको लेना तो आप ये भी कर सकते हो, जॉर्डन क्लार्क को ले सकते हो जो अच्छे फॉर्म में थे रिसेंटली, तो आप इनको ले सकते हो जॉर्डन क्लार्क को। जॉर्डन क्लार्क भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, तो आप इनके साथ जा सकते हो, और आरन लीग के साथ भी जा सकते हो आप। ये ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए ऑलराउंडर में अच्छे, तो आप इनके साथ जा सकते हो। नीचे जो ऑप्शन है इनके साथ आपको जाना नहीं है, क्योंकि ये इस मैच में आपको खेलते नजर नहीं आएंगे, तो इनको लेके कुछ फ़ायदा है नहीं। स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में इनको मिस करना है, क्योंकि ये इस मैच में आपको खेलते नजर नहीं आएंगे। अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो थोड़े हटकर प्लेयर लेना, तभी आप ग्रैंड लीग विन कर जाओगे। फिर सोहेल खान इस मैच में आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे फिर से, फिर जेम्स एंडरसन भी आपको इस मैच में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, तो इनको लेकर कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर पेरी को आप ले सकते हो, ये इस मैच में आपको खेलते नजर आ जाएंगे, तो इनको आप ले सकते हैं, अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं आपके लिए। फिर बता दूँ अरुण वरुण भी इस मैच में आपको खेलते नजर नहीं आएंगे, और फिर बता दूँ रिचर्ड भी आपको इस मैच में खेलते नजर नहीं आएंगे, तो इनको लेकर कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर जैक आपके लिए इस मैच में अच्छा साबित हो सकते हैं, आप इनको ले सकते हो। फिर अब्बास भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, इन दोनों को आप ले सकते हो अगर लेना चाहो तो, क्रेडिट के कुछ प्रॉब्लम आएगा नहीं। फिर बता दो आपको कालम पार्किसन आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, इनको आप ले सकते हो स्मॉल लीग की टीम में, और ग्रैंड लीग में भी ट्राई कर सकते हो। फिर बता दो आपके लिए जो अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, ये जो इतने प्लेयर है इतने सारे, इनको लेकर कुछ फ़ायदा है नहीं, ये आपको इस मैच में खेलते नजर नहीं आएंगे, तो इनको आप लेना मत। तो मैं बोल रहा हूँ वही प्लेयर लेना। तो देख लेते हैं आपके लिए मैट पार्किसन इस मैच में खेलते हुए नज़र आ जाएंगे आपको। अगर बता दूँ आपके लिए और एक अच्छा ऑप्शन तो टॉबी लेट्सर है, ये जो आपको इस मैच में खेलते हुए नज़र आ जाएंगे। फिर टॉम ट्रेलर इस मैच में आपको खेलते नज़र नहीं आएंगे, तो इनको नहीं लेना है। फिर बात करेंगे इन दोनों को ही नहीं लेना है, क्योंकि ये दोनों इस स्क्वाड में नहीं है, तो इनको लेकर कुछ फ़ायदा है नहीं। तो देख लेते हैं फाइनल प्रीव्यू की। तो बात करेंगे अभी
कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में, ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों के बारे में तो मैं बता देना चाहता हूँ आपके लिए। डायरेक्ट मैंने जो स्मॉल लीग के लिए कैप्टन रखा है रैना को रखा है और लिविंगस्टन को वाइस कैप्टन रखा है, और दोनों ही अच्छे प्लेयर्स है, और जो रैना है वो गेंदबाजी भी कर लेते हैं इसलिए मैंने इनको ले रखा है। फिर बता दो आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए डेलपोर्ट अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, फिर एकरमैन भी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं वाइस कैप्टन के लिए और डेलपोर्ट कैप्टन के लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। बता दो मोहम्मद नबी अगर ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो आप मोहम्मद नबी को भी कैप्टन रख सकते हो, वक्त आने पर ये बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। फिर बता दो जे क्लार्क को बहुत कम लोग लेने वाले, तो अगर आप इनके साथ जाते हो और कैप्टन वाइस कैप्टन इनको रख देते हो ग्रैंड लीग की टीम में, तो आपको एक अकेले के दम पर ग्रैंड लीग विन करवा सकते हैं। आपको पता नहीं होगा बहुत अच्छे प्लेयर है, अगर आप इनको लेते हो तो ग्रैंड लीग में ले सकते हो और कैप्टन वाइस कैप्टन भी अपना रख सकते हो। तो बात करेंगे इसी के बारे में, तो मैं बता दूं आपके लिए ये तीनों बॉलर जो है वो स्मॉल लीग के लिए अच्छे हो सकते हैं, आप इन तीनों को ले सकते हो स्मॉल लीग के लिए। फिर ये तीनों जो ऑलराउंडर है इन तीनों को आप स्मॉल लीग में भी ले सकते हो और ग्रैंड लीग में भी ले सकते हो। फिर आपको पता है अच्छे सारे मैंने जो प्लेयर लिए ये सारे आपको इन टीम न खेल प्लेइंग एलेवन में खेलते हुए नज़र आ जाएंगे और आपके लिए अच्छा पैसा विन कर लेंगे। अगर आप अच्छा पैसा अर्न कर लेते हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, और मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप है आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है। आप अगर मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो हो सकते हो बिल्कुल फ्री में, तो मैं बात करूंगा उसमें भी मैं आपको टीम प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर आप यूट्यूब पर नहीं हो तो मैं आपको वहाँ पे टीम प्रोवाइड कर देता हूँ। तो बात करेंगे अभी कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया जो विकेट कीपर है उसको भी आप थोड़ा बहुत चांस दे सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, इनको भी प्रोवाइड कर सकते हो। फिर बता दो आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बाजू में जो बेल का आइकॉन है उसे भी दबा दो। तो थैंक यू दोस्तों।